अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। जिहड़ा कबूतर इंडिया गया ना, उन्हें मैं बचपन तो पालिया, लिहाजा उन्हें वापस किया जाए। आसमान में बेपरवाह उड़ने वाला ये परिंदा कैद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने एक नापाक करतूत इसके साथ की। इंडिया नीड्स टू स्टॉप विक्टिमाइजिंग इनोसेंट बर्ड्स। हमारा मीडिया पाकिस्तान को लेकर हमेशा ही काफी सक्रिय रहता है और कई मौकों पर भारत की तुलना पाकिस्तान से भी करता है। आपको बेरोजगारी, महंगाई पर खबर देखने को मिले ना मिले, पर पाकिस्तान पर कोई ना कोई खबर देखने को जरूर मिल जाती है। इस बार भी पाकिस्तान को लेकर मीडिया काफी सक्रिय दिखाई दिया है क्योंकि एक पाकिस्तानी कबूतर ने भारत में जासूसी की कोशिश की। आप भी देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से संदिग्ध जासूस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दिए। बिल्कुल गुरसिमरन, ये माने कि दरअसल एक और तरीका निकाला है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने, कि कैसे कश्मीर में वो आतंकी जिनकी घुसपैठ कराई गई है कबूतर के जरिए संदेश भेजा जाए। यानी कोई एक बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है, इसको देखते हुए तो यही लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई है। इसके बाद एक इंग्लिश मीडिया चैनल भी इस खबर का मजाक बनाते हुए दिखा। A Pakistani villager is pleading with Indian Prime Minister Narendra Modi to free his pet pigeon currently in pigeon prison on charges of spying. How did this happen, you ask? Well, the man lives just a couple of kilometers from the border and let his pigeons out for a fly. Police said the pigeon had a ring on one of his legs that had a code on it they were trying to decipher. But the man says the code is just his phone number. He apparently owns a dozen pigeons. And says India needs to stop victimizing innocent birds. I think the worst thing is that villagers captured the bird and handed it over to police. And apparently this has happened a number of times over the years. Wow. Here's a picture I got of the pigeon in pigeon prison. In a cage. Oh my Gideon. Excellent. And that's the latest news on BFM. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक जानवर पर जासूसी का इल्जाम लगाया गया हो। आपको याद हो तो टिड्डी दल के बारे में यही इल्जाम लगाए गए थे। जब टिड्डी दल भारत में पहुंचा तो मीडिया ने इसमें भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया, तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? टिड्डियों की बिरयानी खाने वाला पाकिस्तान अब उसके टिड्डी वाले प्रधानमंत्री जो टिड्डी वाली हरकत करते हैं, ये टिड्डियों की हरकत है गौरव आर्या? ये इमरान खान एक टिड्डी है और टिड्डियों की हरकत है कि ट्वीट करते हैं? अब बात करते हैं उस कबूतर की, वह कहां से आया था और क्या वह सच में पाकिस्तान ने जासूसी के लिए भेजा था? पाकिस्तान में एक व्लॉग बनाने वाले उस्मान चौधरी ने इसका फैक्ट चेक किया। उस्मान उस जगह गए जहां से ये कबूतर आया था। ये कबूतर के मालिक से मुलाकात भी की उन्होंने। घर में जा रहे हैं जिस बंदे के कबूतर थे और क्या सीन हुआ उसके साथ? बुल्ला भाई आ गए हैं और गोंगे लोग भी आ गए हैं और हबीब भाई हमें मिल गया वो पीछे। ये हैं जी हबीब भाई के कबूतर। काफी महंगे होंगे जी? महंगे नहीं। अच्छा जी, नहीं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शौक है तुहाडा। बंद कर। सो फाइनली ये वो जगह है जहाँ से कबूतर उड़ के जो है ना इंडियन सरहद के पार चले गया और इंडिया तरह तरह की बातें गा रहा है।
मीडिया ने इस कबूतर से एक कोड मिलने की बात कही। तो संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है और एक संदेश भी इसके पास से मिला है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कबूतर के पास से कूट भाषा वाला एक संदेश मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गुरसिमरन, हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि इसके पैर में कुछ कोड नंबर लिखे हुए थे, अंगूठी इसके पैर में डली हुई थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आ रही है अलग अलग। उस्मान ने अपने व्लॉग में इस कोड के सच को भी बताया। मीडिया जिस कोड की बात कही वह असल में कबूतर के मालिक का फोन नंबर था। यह जरा ना गलत इल्जाम ला रहा है दहशतगर्दी का। यह कबूतर उस कबूतरी का भाई है जिसका नंबर है, जो एक कोड कह रहे हैं यह नंबर जो मेरा मोबाइल नंबर है। लिहाजा कबूतर बाजी जरा ना एक मोहब्बत है पैगाम, जिहड़ा कबूतर इंडिया गया ना उन्होंने मैं बचपन तो पालिया, लिहाजा उन्होंने वापस किया जाए। मेरा वह बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। खैर, कबूतर के मालिक और तमाम गाँव वालों ने भारत से कबूतर वापस करने को कहा है। अभी बुलादा कबूतर जरा सरहद तो पार चला गया, लिहाजा मोदी सरकार से अगे गुजारिश है ओदा कबूतर वापस किया जाए। इस वास्ते ये पक्के किसाने का रहन आला आ तहसील चक्कड़गढ़ का, लिहाजा यदा कबूतर वापस किया जाए, नहीं तो अं इतिजाज करांगे और बॉर्डर से भी और पिंड च भी। बेजुबानों पर प्रोपोगंडा बंद करो, बेजुबानों पर प्रोपोगंडा बंद करो, हमारा कबूतर वापस करो, हमारा कबूतर वापस करो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी कबूतर पर जासूसी का इल्जाम लगा हो। मीडिया अक्सर ऐसी खबर बनाता रहता है, आप ये भी देखिए। बात एक ऐसे कबूतर की जो भारत में तबाही का संदेश लेकर आया। एक दौर था जब पंछी प्यार का पैगाम लेकर जाते थे, लेकिन पाकिस्तान इन परिंदों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करता है। 2 अक्टूबर से एक पाकिस्तानी कबूतर पंजाब पुलिस की कैद में है। आसमान में बेपरवाह उड़ने वाला ये परिंदा कैद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने एक नापाक करतूत इसके साथ की। कबूतर का 2 टांके का ऑपरेशन किया जाता है और उसमें चिप डाल दिया जाता है। 15 दिन के भीतर कबूतर उड़ने लगता है। चिप की वजह से कबूतर जहां जहां उड़ेगा वहां की तस्वीरें और लोकेशन भेजेगा, वहां की हरकत की जानकारी भी मिल सकती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की मोहर लगाए कबूतर मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को कबूतर के जरिए भारत की जासूसी करने का शक है। कबूतर की मेडिकल जांच कराई गई, एक्सरे कराया गया। मेडिकल के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कबूतर के जरिए कहीं जासूसी तो नहीं हो रही थी। पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस कबूतर को अपने कब्जे में ले रखा है। ऐसी खबर के अंत में ये पाया जाता है कि कबूतर से कुछ नहीं मिला और उसे जासूसी का कोई खतरा नहीं है। बम्याल बॉर्डर से इस कबूतर को गुरदासपुर के पशु औषधालय में लाया गया, वहाँ इसका एक्सरे नहीं हो पाया। अमृतसर में इस कबूतर का एक्सरे करवाया गया और एक्सरे रिपोर्ट में ये पाया गया कि कबूतर के पेट में कोई भी मैग्नेटिक चिप या कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिससे कि इसकी जासूसी करवाई जा सकती हो। किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रखने के लिए तुरंत ही कबूतर का एक्सरे किया गया, कबूतर की स्कैनिंग की गई और तमाम जाँच की गई। हालांकि ये सुकून की बात थी कि ऐसा कोई भी संदिग्ध सामान कबूतर के पास नहीं मिला। हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा मीडिया खबर का फैक्ट चेक करना ना भूले, अपने काम को और बेहतर तरीके से करना शुरू करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।